पार्ट 8 में हम देख चुके हैं जिन्यू को पता चल जाता है कि यूथिंग को किस वाला सीन याद आ चुका है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। पार्ट 9 में हम देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यूथिंग कहता है, तुम क्या बोल रही हो, मुझे वो पागल चीजें याद क्यों आएंगी, और मुंह फेर लेता है। वो सोचती है, पागल चीजें क्या तुम्हारे लिए इस किस का कोई मतलब नहीं था कि तुम इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते, यानी तुम मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। वो पूछता है, क्या हुआ। वो कहती है, कुछ नहीं, इतनी ठंड से मुझे रोना आ गया, मैं अब कुछ इमेजिन भी नहीं कर पा रही, और रोने लगती है। वो कहता है, सॉरी, इसमें मेरी गलती है, आई प्रॉमिस मैं दोबारा वो गलती कभी नहीं करूँगा। वो कहती है, गलती, हाँ हाँ वो गलती थी, कोई बात नहीं, मैं इसे दिल से नहीं लूँगी। और दोनों एक दूसरे से मुँह फेर लेते हैं। जिन्यू रो रही थी और यूथिंग सैड था। जिन्यू और यूथिंग जाओ का फोन नहीं उठा रहे थे तो वो भागती है। जाओ माओ जिन्यू को अपना कन्फेशन कार्ड देकर उसे कन्फेस करने आया था, पर तभी जाओ उसे देख लेती है और बताती है कि जिन्यू घर पे नहीं, तो वो दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं और वहाँ उन्हें यूथिंग की जैकेट और चाकू पड़ा मिलता है। वो दोनों उन्हें ढूंढने लगते हैं। उन दोनों की आवाज़ जिन्यू और यूथिंग सुन लेते हैं। यूथिंग जाओ माओ को कहता है, तो इन दोनों को ले जा, मैं अपनी कार से चला जाऊँगा। जिन्यू कहती है, बॉस मुझे बचाने के लिए थैंक यू, आगे से मैं अपनी ड्यूटी सही से निभाऊंगी और पागल गलती नहीं करूंगी। तो यूथिंग चला जाता है, पर जाओ माओ कुछ कन्फ्यूजन में था। वो उन दोनों को घर छोड़ने आता है तो जिन्यू जाने लगी थी, पर जाओ माओ कार्ड को देख उसे बुला लेता है, पर फिर वो जिन्यू को कन्फेशन कार्ड नहीं देता। इधर यूथिंग सोच रहा था कि कौन लिनमैन के बहाने से जिन्यू को पकड़ना चाहता है, और मेडिसिन खाने वाला था तभी वहाँ जाओ माओ आ जाता है और उसकी मेडिसिन देख के कहता है, उस टाइम जिन्यू पर सैंडबैग नहीं गिरे थे और तू उसी दिन हॉस्पिटल में भी था और वो लड़का भी तुझसे इसी बारे में बात कर रहा था, यानी उस टाइम तूने ही जिन्यू को बचाया था, तू ये कब तक छुपाएगा, आखिर तू जिन्यू के लिए क्या फील करता है। ये थिंग बात टालने लगता है तो जाओमा कहता है, तुझे फार्म में आना पसंद नहीं था, पर जिन्यू के लिए तू इतनी बार फार्म में आया, जब भी वो प्रॉब्लम में होती है तू हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने पहुँच जाता है, जैसे डैड मॉम को प्रोटेक्ट करते थे। सिर्फ जिन्यू ही तुझे बदल सकती है, तुझे कोल्ड हार्टेड से वार्म हार्टेड बना सकती है, क्या सच में तू उससे दूर रहना चाहता है। इधर जिन्यू सोचती है, वो लोग मेरे सहारे मॉम को पकड़ना चाहते हैं, तो कहीं मुझे प्रॉब्लम में समझकर मॉम बाहर ना जाए, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करके मॉम को बताना होगा कि मैं ठीक हूँ। जाओ माओ फैसला करता है कि वो अपनी लव लाइफ पे ध्यान देने की बजाय फार्म के काम पर ध्यान देगा, पर फिर जिन्यू को देख उसके करीब होता है। जिन्यू तो बिल्कुल शौक में थी। वो कहता है, मुझे तुम्हारी जैसी गर्ल्स पसंद हैं, तो अगर कोई ऐसी लड़की हो तो उससे ज़रूर मिलवाना, मैं तुम्हें कन्फेस नहीं कर सकता क्योंकि हम सिर्फ गुड फ्रेंड्स हैं। वो हाँ करती है, पर जाओ माओ बाहर आकर एम्बेरस फील करता है। उस लड़के ने जाओ माओ का कन्फेशन कार्ड ले रखा था तो वो उसे छीन लेता है और कहता है, तुझे पहले से पता था ना कि जिन्यू का सेवियर मैं नहीं। वो कहता है, हाँ बिग ब्रो मैंने तुम्हारे लिए सच छुपाया। वो कहता है, ये गलत बात है, फिर से ऐसा कभी मत करना। और फिर सोचता है, मैं जिन्यू का सेवियर नहीं, तो मुझे उसे सच बताना होगा कि यूथिंग उसका सेवियर है। नेक्स्ट डे जिन्यू यूथिंग से फार्म का बिजनेस प्लान डिस्कस करने आई थी, तभी वहाँ जाओ माओ भी आ जाता है, जिससे यूथिंग थोड़ा घबरा जाता है। जाओ माओ कहता है, मैं देखने आया था कि तुम ठीक तो हो। वो पूछती है, बॉस तुम्हें कुछ हुआ है क्या। वो कोई जवाब नहीं देता तो जिन्यू जाओ माओ से पूछती है। जाओ माओ कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जो यूथिंग सुन लेता है। फिर जिन्यू और जाओ माओ वीडियो के द्वारा यूथिंग को फार्म का बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जिसमें फार्म के सारे लोग फार्म की इम्पोर्टेंस बताते हैं। मॉम कहती हैं, मेरा बेटा बचपन से ही बहुत बीमार था, जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसे हेल्थी फार्म का मिल्क पिलाया तो वो ठीक हो गया, इसलिए हम चाहते हैं कि बाकी बच्चों की भी हेल्थ अच्छी हो। यूथिंग जो पहले इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर रहा था, इनडायरेक्टली उन्हें यस बोल देता है, तो जिन्यू बहुत खुश होती है। यूथिंग सोचता है, मुझे लगा था मॉम मुझे भूल गई, पर उन्हें मैं अब भी याद हूँ। जाओ माओ जिन्यू को बताने वाला था, तभी यूथिंग आकर कहता है, मुझे अभी याद आया जिन्यू, मुझे तुमसे कुछ काम है, तो जाओ माओ तुम अकेले जा सकते हो। जाओ माओ कहता है,
ठीक है मैं चलता हूँ, पर कल को तुम्हें वो बात बता दूंगा। उसके जाते ही जिन्यू कहती है, बॉस क्या काम है? वो कहता है, मैं भूल गया। वो कहती है, ठीक है तो मैं चलती हूँ। वो कहता है, याद आ गया, मेरे साथ वॉक पे चलो। और फिर चलते चलते वाउचर नीचे फेंक कर जिन्यू को उठाने को कहता है। वो उठाने लगी थी तो वो कहता है, रुको रुको, इतने लोगों के सामने ऐसा मत करो। वो कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ठीक है, वाउचर के अकॉर्डिंग मुझे तुम्हें हंसाना है। और उसे जोक सुनाने लगती है, पर उसे हंसी नहीं आती तो वो उसे कॉइन मैचिंग करके दिखाती है। उसने कॉइन जीतिंग के सिर पे रखा था पर उसे नहीं मिलता, पर फिर चलाकी से अपने सिर से कॉइन गिरा देती है, पर जीतिंग को लगता है कि वो कॉइन उसके सिर से गिरा है। वो कहती है, मैं तुम्हें और ऐसे मैजिक करके दिखा सकती हूँ। और फिर उसके करीब वो कान में कहती है, आंखें बंद करो, मैं गायब हो जाऊंगी। और चुपके चुपके भाग जाती है। पर वो देख लेता है, जीतिंग देखता है कि कोई जिन्यू पर नजर रखे था। जिन्यू के ना चाहते हुए भी जीतिंग उनके घर आ जाता है और बैठा बैठा उसे ही देखे जा रहा था। तो वो कहती है, तुम खाने के बजाय मुझे क्यों घूर रहे हो? वो कहता है, मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मुझे खाने के बदले विश वाउचर दे। तो जिन्यू उसके लिए वाउचर लिख के देती है और वो खाता है। पर जिन्यू को गुस्सा आ रहा था। पर ये देख जाओ सोचती है, जितिंग ने तो जिन्यू को अपना नौकरी बना रखा है। वो कहता है, अब मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आओ। वो जाने लगी थी तो जाओ कहती है, तुम रुको मैं लेकर आती हूँ। पर जितिंग जाओ का हाथ पकड़ रोक देता है। जिन्यू फ्रूट्स लेने जाती है पर जितिंग ने जाओ का हाथ पकड़ा था तो जाओ नर्वस होकर चली जाती है। जितिंग और जिन्यू रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे, पर जाओ सैड थी क्योंकि वो जितिंग को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी थी। वहां से जाते हुए जितिंग देखता है कि कोई आदमी जिन्यू पे नजर रखे था, तो वो असिस्टेंट को उस आदमी के बारे में पता करने को बोल देता है। इधर जिन्यू जितिंग के बारे में सोच कहती है, वो मुझे लाइक नहीं करता तो मुझ पर स्माइल क्यों कर रहा था? इधर जितिंग सोचता है, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर, ना एक दूसरे को लाइक करना और ना हेट करना, हम दोनों के बीच यही बेस्ट डिस्टेंस है जब तक लिनमैन पकड़ी नहीं जाती। जिन्यू मैसेज करती है, मिस्टर शू, मॉम ने गलत किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, पर यहाँ तो अच्छे और बुरे लोग दोनों ही सैड हैं। पर नेक्स्ट डे यितिंग को पता चलता है कि जिन्यू तो जाओमाओ के साथ ऑलरेडी फार्म में चली गई। तो वो फार्म में आता है पर वो दोनों से वहाँ नहीं मिलते। तो जाओमाओ के कहने पर वो लड़का कहता है, वो दोनों तो वहाँ गए हैं जहाँ ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, शायद बिग ब्रो उसे कुछ बताएगा। तो यितिंग भागता है। जिन्यू को जाओमाओ ने कहा था कि तुम बस जीतिंग का पीछा करना, तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो सोचती है, पर बॉस को कैसे पता कि मेरा ट्रक एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? जाओमाओ यितिंग को जिन्यू की सेवियर वाली बात बताने को कहता है, पर यितिंग कहता है, इस सच को ना बताऊं तो ज्यादा सही रहेगा, क्या तू उसे लाइक नहीं करता? वो कहता है, हाँ करता हूँ, पर तू भी तो करता है, तू उसे सच नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगा। यितिंग उसे रोक के कहता है, नहीं, तुझे पता है मैंने यहाँ तक आने के लिए क्या क्या सहा है? फार्म को छोड़ने के बाद मुझे तुम सबकी याद आती थी, पर फिर भी मैं खुद को समझाता कि मुझे लिनमैन से बदला लेना है। जाओमाओ कहता है, हम दोनों ब्रदर हैं तो सारा बोझ अकेले तू ही क्यों सहता है? यितिंग कहता है, तू बहुत काइंड है, तू किसी से बदला नहीं ले सकता, इसलिए मैंने अकेले ही ये फैसला किया है। वो कहता है, पर तुझे ऐसा नहीं लगता कि जिन्यू के आने के बाद तू बदल रहा है? यितिंग कहता है, मैं उसके क्लोज नहीं होना चाहता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस पर दया दिखाऊंगा। तभी जिन्यू साइकिल से वहां आ जाती है और उनकी बातें सुनने लगी थी। यितिंग कहता है, पर उस एक्सीडेंट में उसे मेरी जरूरत थी। हाँ, मैंने उसे ट्रक एक्सीडेंट से बचाया था, पर तुझे उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं वरना सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये सुन जिन्यू हैरान थी। जाओमाओ पूछता है, और तेरी चोट? वो कहता है, वो अब ठीक है। जिन्यू छुपने लगी थी पर फिर पकड़ी जाती है। यितिंग गुस्से से जाओमाओ को देखता है, पर अब क्या फायदा, जिन्यू को तो सब पता चल गया था। वो पूछती है, बॉस उस दिन तुमने मुझे एक्सीडेंट से बचाया था? और इसी के साथ पार्ट 9 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।